इस बार 20 तारीख से ये घोषणा की गई कि आप जाके उसको एक्सचेंज करवा लीजिए, 30 सितंबर तक उसको एक्सचेंज करवा लीजिए। एक नोट दो, या तो 500 के 4 नोट ले आओ, या 100-100 के 20 नोट ले आओ, या 50 के 40 नोट ले आओ। वो बोला 30 सितंबर के बाद भी ये बंद नहीं हो रहे हैं, पर एक्सचेंज करवा लीजिए। पता नहीं क्या मंतव्य है, बंद नहीं हो रहे हैं पर एक्सचेंज करा लीजिए। एक्सचेंज कराना अच्छा रहेगा। और इस बार घोषणा माननीय ने टीवी पर आके नहीं करी, इस बार रिजर्व बैंक का सर्कुलर आया। आपको याद होगा जब आजाद हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइज्ड लूट हुई थी, तब फाइनेंस मिनिस्ट्री का सर्कुलर था, पर इस बार फाइनेंस मिनिस्ट्री का सर्कुलर नहीं था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सर्कुलर था। अब हम कुछ बातें लेके आए हैं और सरकार से इन 5 बातों का हम जवाब चाहते हैं कि रिजर्व बैंक ने एक स्पष्टीकरण दिया कि एक बार में जाओ 10 नोट चेंज करा के वापस बाहर आ जाओ, दिन भर में अगर 20 बार जाना चाहते हो तो 20 बार चले जाओ, 40 बार की जाना चाहते हो तो 40 बार, वैसे 40 बार जा नहीं सकते हो क्योंकि लंबी लाइन भी है, दिन भर करोगे तो 5-6 बार ये काम हो सकता है। पर आपसे कोई कुछ नहीं पूछेगा, ये नोट किसका है, ये नोट कहाँ से मिला, आपकी इनकम टैक्स का पैन कार्ड नंबर क्या है, आपका आधार कार्ड नंबर, नहीं वो नहीं पूछेंगे। इनकम टैक्स रिटर्न अगर भरना है तो उसको आधार से लिंक करवाना पड़ेगा, पर अगर इन 10 नोट को जितनी बार जाके आना है 30 सितंबर तक, कोई कुछ नहीं पूछेगा। ये ब्लैक मनी को फैसिलिटेट किया जा रहा है कि ब्लैक मनी के लिए एक विंडो खोली गई है कि इस विंडो में जो आएगा वो 10 नोट लेके आए, दिन भर में 20 चक्कर लगा ले, 10 चक्कर लगा ले, 5 चक्कर लगा ले, 30 सितंबर तक जितने नोट लाना है लाइए, हम आपसे नहीं पूछेंगे कि आप कौन हो, आपका नाम क्या है, आपका पता क्या है, आपका पैन कार्ड नंबर क्या है, आपकी आय का स्रोत क्या है, आपने पिछले साल कितना इनकम शो किया, नहीं पूछेंगे। तो जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि डिमोनेटाइजेशन इज द ग्रेटेस्ट ऑर्गेनाइज लूट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, आज आप 2000 के एक्सचेंज को आपने एक छूट दे दी, कोई नहीं पूछा जाएगा। ये तो वैसी बात हो गई कि रॉयल वेलकम किए करा जा रहा है ब्लैक मनी के कीपर्स को। ये 2000 का एक्सचेंज प्रोग्राम नहीं है, दिस इज ए रॉयल वेलकम टू द कीपर्स ऑफ ब्लैक मनी, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, थोड़ा बहुत जो ये 2000 का नोट किनके पास मिलेगा, 6 करोड़ एमएसएमईज के पास, क्योंकि उनको वर्किंग कैपिटल है, उनको कैश बेस्ड इकोनॉमी में काम करते हैं, उनका रोजमर्रा का सामान खरीदने के लिए, माल खरीदने के लिए किनके पास मिलेगा, 1 या 2-3 नोट मिल सकते हैं। 6 करोड़ एमएसएमई ओनर्स जो कि देश के हैं उनके पास मिल सकते हैं 2-4 नोट, या 11 करोड़ किसान के पास मिल सकता है, क्योंकि वो फसल बेच के आया, उसको 2-3 नोट दे दिए, वो अपने घर में उसको लेके बैठा है। अब 11 करोड़ देश के किसान और 6 करोड़ एमएसएमई के जो ओनर्स हैं, वो वापस 42 डिग्री के टेम्परेचर में, 43 डिग्री के टेम्परेचर में बैंकों के ऊपर लाइन लगा लो। साहब गए 14 डिग्री के टेम्परेचर में सिडनी, और 6 करोड़ एमएसएमई एंटरप्रीनियर्स को और 11 करोड़ किसानों को 44 डिग्री, 42 डिग्री, 45 डिग्री, कल तो दिल्ली में 46 डिग्री के तापमान था, 46 डिग्री में आपको लाइन में लगा दिया। और लाइन में ही नहीं लगना है, आप अब आपके जो आपका जो साइकिल था वो आपने ब्रेक कर दिया, क्योंकि अब आप जाओगे 2000 अपनी वर्किंग कैपिटल के लिए, जो 3-4 नोट आप अपनी जेब में रखते हो, आप बिजनेस में रखते हो, उनको एक्सचेंज कराने जाओगे, पूरी वर्किंग कैपिटल का जो साइकिल है वो ब्रेक होगा। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर अभी तक डिमोनेटाइजेशन के प्रभाव से बाहर नहीं निकला था, उसके ऊपर एक और चपेट मारी, पता नहीं कहां से ये आइडिया लाते हैं। तीसरी बात, और ये कैलकुलेशन करके आपके सामने रख रहा हूं,
देश में इस समय 181 करोड़ 2000 के नोट है, तो अगर हमें इनको एक्सचेंज कराना है तो मान लेते हैं एक आदमी एट ए टाइम 5 नोट एक्सचेंज कराता है, मान लेते हैं, तो कितने ट्रांजेक्शन होंगे? टोटल ट्रांजेक्शन होंगे 36 करोड़ बैंक के ट्रांजेक्शन होंगे, 36 करोड़ इन नेक्स्ट 4 मंथ्स। एक ट्रांजेक्शन में मैं मान लेता हूं 4 मिनट लगते हैं, अप्रोक्सीमेटली 4 मिनट्स। तो अगले 4 महीने में बैंकों के 144 करोड़ मिनट सिर्फ किस काम में लग गए कि 2000 के नोट जो भी ला रहा है उसको या तो 4-500 के दो या 20 2000 के 100-100 के दो या 40-50-50 के दो। तो लगभग 144 करोड़ मिनट अर्थात लगभग 2.5 करोड़ घंटे बैंक के ब्रांचों के अगले 4 महीनों में नोटों की अदला बदली में चले गए। बैंकों का काम क्या था? नया क्रेडिट देवे ताकि नए रोजगार का सृजन हो, नई जीडीपी देश में बने, लोगों के इनकम बढ़े। अब बैंकों का काम आपने क्या करा दिया? क्रेडिट छोड़ दो, नए क्रेडिट देने की, नए लोन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काम तो आपको क्या करना है, 2.5 करोड़ घंटे अगले 4 महीने में देश के सारे बैंक नोटों की अदला बदली में डालेंगे। तो क्रेडिट ऑफटेक नहीं करेगा तो रोजगार के नए सृजन नहीं होगा, नए रोजगार के, रियल इनकम देश में लोगों की नहीं बढ़ पाएगी, लोगों की इनकम वहीं पे स्टैग्नेंट हो जाएगी। तो तीसरा पॉइंट ये है कि बैंक क्रेडिट विल हैव एन एडवर्स इंपैक्ट बिकॉज 2.5 करोड़ आवर्स अप्रोक्सीमेटली विल बी लॉस्ट इन जस्ट एक्सचेंज ऑफ रुपीज 2000 नोट्स। पॉइंट नंबर 4, देश की डिस्क्रिशनरी कंज्यूमर डिमांड खत्म हो जाएगी। डिस्क्रिशनरी कंज्यूमर डिमांड क्या? एक तो मैंडेटरी कंज्यूमर डिमांड है कि भाई आटा लाना है, दाल लानी है, सब्जी लानी है, बोला खाना ही पड़ेगा जीवन। पर डिस्क्रिशनरी कंज्यूमर डिमांड है जैसे हाई एंड अपैरल, लग्जरी गाड़ियां, एंटरटेनमेंट, ट्रेवल, वो कैसे खत्म होगी कि भाई जिनके पास 2000 के नोट है वो पहले तो जाएंगे अगले 4 महीने में 2000 के 5-500 में कन्वर्ट करने। अब 500 में भी उनको थोड़ा भय कि पता नहीं कब कौन सा सर्कुलर आ जाए और ये कुछ नया सर्कुलर आ जाए। तो डिस्क्रिशनरी डिमांड जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की है वो नीचे आएगी। अगर वो डिस्क्रिशनरी डिमांड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की नीचे आएगी तो देश का जीएसटी कलेक्शन कम होगा। जीएसटी कलेक्शन कम होगा तो देश की सरकार के पास सोशल सेक्टर स्पेंडिंग में जो बजट एलोकेट किया था वो पैसा ही नहीं होगा। तो कौन भुगता? वापिस कौन भुगता? जिसने ब्लैक मनी रखी वो नहीं भुगता। भुगता वो व्यक्ति ही जो कि लोअर इनकम ग्रुप में है या मिडिल इनकम ग्रुप में है, क्योंकि सोशल सेक्टर स्पेंडिंग से फायदा उसको सबसे ज्यादा होता है। पांचवी बात, भारतीय मुद्रा कोई मजाक का विषय नहीं है। हम नहीं चाहते कि देश की मुद्रा के बारे में कोई विदेश व्यक्ति ये बोले अरे ये नोट कब तक रहेगा यार, इसका ध्यान रखना थोड़ा। क्रेडिबिलिटी जिसको हम कहते हैं साख, क्रेडिबिलिटी ऑफ द करेंसी इज एट स्टेक। आज भारतीय करेंसी मजाक का पात्र बना दिया आपने। कब आप कौन से नोट के कब कौन सी घोषणा कर दो, जब क्रेडिबिलिटी की साख पे, मुद्रा की साख पे प्रश्न चिन्ह आ जाता है तो एक्सचेंज वैल्यू जो मुद्रा की है, एक्सेप्टेबिलिटी जो मुद्रा की है वो कमजोर बढ़ जाती है। और इन सारे मुद्दों से ब्लैक मनी कीपर्स को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो बिना नाम, बिना आधार कार्ड, बिना पैन कार्ड, मुंह पे मास्क भी लगा के जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं है उसको। वहां जाए, जितना पैसा उसके पास 2000 के नोट में है एक्सचेंज करा के वापस आ जाए। पर इफेक्ट किसको पड़ा? एमएसएमईज को, किसान को, लोअर इनकम ग्रुप को, मिडिल इनकम ग्रुप को। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज खत्म होगी, जीडीपी और नीचे गिरेगी, रियल इनकम जो है देश के लोगों की जो वास्तविक आय है वो और नीचे आएगी। इसलिए हमने ये वापिस पुनः सरकार से पूछना चाहते हैं कि 7वीं एनिवर्सरी आपकी ऑर्गेनाइज्ड लूट की आने वाली है, 2016 नवंबर से अब 2023 नवंबर आना वाला है, उससे पहले
ये दो हजार का नोट सरकार ने निकाला क्यों था पहले तो वो समझा दे। कौन वो महान अर्थशास्त्री थे, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से उन अर्थशास्त्रियों को देखना चाहता हूं, उनको छूना चाहता हूं जिन्होंने ये नोटबंदी और 2000 के नोट निकालने का निर्णय किया। हम ये भी मांग करते हैं कि एक पूरा व्हाइट पेपर लेके आए कि वाई 2000 रुपीज नोट वॉज इंट्रोड्यूस्ड, हु ऑल वर देयर हु वॉज सेइंग कि ये 2000 के नोट से काला धन खत्म हो जाएगा। मैं उन सब लोगों को मिलना चाहता है, देश के लोग। वो कौन से लोग और अर्थशास्त्री थे जिन्होंने बोला कि भाई इस 2000 के नोट में चिप भी डाली हुई है, चिप का भयंकर संकट है देश में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री त्रस्त है चिप के संकट से, तो वो चिप के संकट से के कारण इसको वापस लिया है, किस कारण से इसको वापस लिया है 2000 का नोट वापस एक्सचेंज करने का निर्णय क्यों लिया गया, पहले तो ये बताए कि क्यों लाया गया और फिर ये बताए कि इसको वापस क्यों लिया जा रहा है। देश इन सवालों का जवाब चाहता है। एक कंपोजिट व्हाइट पेपर वी डिमांड फ्रॉम द गवर्नमेंट। बिफोर आई टेक द क्वेश्चंस फ्रॉम यू, आई विल ब्रीफ द सब्जेक्ट इन इंग्लिश। मिनी डीमो इज ए रॉयल वेलकम फॉर द कीपर्स ऑफ ब्लैक मनी। अगेन आफ्टर दिस मिनी डेमो, छोटा छोटा पैकेट, आफ्टर दिस मिनी डेमो डिमोनेटाइजेशन, अगेन 6 crore एमएसएमई एंटरप्रीनियर्स एंड 11 crore फार्मर्स आर ऑन लाइन एट 44, 45, 46 डिग्री टेम्परेचर अक्रॉस द कंट्री। वी हैड सीन दैट दिस पिंक कलर 2000 रुपीज नोट इज आउट ऑफ सर्कुलेशन। आई हैड नॉट सीन दैट। इफ यू हैड सीन दैट, यू माइट बी फॉर्चुनेट। So we are just asking a first simple question, that there are 181 crore 2000 rupees note, who is holding these notes and why government is giving a royal welcome to the people who are coming for the exchange of these 181 crore 2000 rupee notes, and there is no Aadhaar, no PAN requirement, no identity, anyone can go. It is like a bearer check without disclosing his name can go to the bank and can convert 2000 rupees or can exchange 2000 rupee note for a smaller denomination. So is this not the royal welcome for the keepers of black money? Point number one. Point number two, why government want that all 6 crore MSME entrepreneurs and 11 crore farmers will be again online in line? Why you want that? And mind it, if they are going to be in line, the transaction face problems, especially for the small businesses, producers and traders. The economy will be impacted, which had just started showing some minor signs of recovery. Point number three, bank credit growth is going to have an adverse growth. If we assume on an average a person will come for the exchange of 5 2000 rupees note, bank have to perform around 36 crore transactions in next 4 months. If average we assume that 4 minutes is required to complete one transaction, in next 4 months bank has to spare, all the branches of all the banks has to spare 144 crore minutes of banking hours just for this exchange program. This will harm the growth in credit, as many bank branches will be busy in this exchange only in next 4 months, resulting in slow or no job creation in the economy. Point number four, discretionary consumer demand will fall. When citizens will be busy in rupees 2000 notes exchange program, there will be a fall in the demand for consumer discretionary products like entertainment, like high-end apparel, luxury cars, resulting in a low GST collection from these economic activities at least in the next 4 months. That will hurt the social sector spending by the government. And last but not least, there is a fall in the credibility of our currency. With such full demo we had in November 2016, now we had a mini demo, the credibility of our currency will be at stake. In long term, it affects the credibility and acceptability of our currency. With this mini demo, the ordinary citizens will be impacted indirectly via rising unemployment and loss of income.
दे कंटिन्यू टू बी इंपैक्टेड बाय डे टू डे करप्शन. वी हैड सीन 40% कमीशन सरकारा इन कर्नाटका. सो वी वंस अगेन डिमांड दैट व्हाइट पेपर बी इश्यूड ऑन इंडिपेंडेंट इंडियाज ग्रेटेस्ट ऑर्गेनाइज्ड लूट. साथियों, हमें 10-20 कारण तो सरकार ने बताया कि उसने नोटबंदी क्यों की, पर कोई कारण का डाटा अभी तक सर देश के सामने नहीं रखा. एक कारण ये भी बताया कि साहब करप्शन खत्म हो जाएगा. अभी हमने देखा कि कर्नाटक में जो मौजूदा जो पूर्व की सरकार थी वो क्या 40% कमीशन खोरी में कैसे लिप्त थी, और ये अब नया छोटा पैकेट मिनी डेमो का आ गया. तो वी डिमांड दैट इंडिपेंडेंट इंडियाज ग्रेटेस्ट ऑर्गेनाइज्ड लूट उसका व्हाइट पेपर देश के सामने रखे कि हु ऑल ग्रेटेस्ट इकोनॉमिस्ट ऑफ ऑल टाइम हैड आस्क्ड द गवर्नमेंट और हैड एडवाइज द गवर्नमेंट टू स्टार्ट विथ द ₹2000 नोट एंड व्हाई द गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू टेक बैक टुडे एंड दैट टू फॉर एन एक्सचेंज प्रोग्राम विच डजंट रिक्वायर द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन हु इज कमिंग फॉर दिस एक्सचेंज ऑफ दिस ₹2000 नोट. So this is all from my side as far as this subject is concerned. I am open for questions first of all on the subject and then on the other issues. सर, दिल्ली हाई कोर्ट में पहले इसकी बात कर ले. अच्छा, बीजेपी के नेता है अशोक उपाध्याय, वो उन्होंने जनहित याचिका डाली है दिल्ली हाई कोर्ट में. उन्होंने कहा है कि 2000 के नोट बिना किसी जमा पर्ची और प्रमाण पत्र के बैंक में जमा करना या एक्सचेंज करना आज तक हीन और भारत के संविधान का उल्लंघन करता है. मैं उनको आग्रह करूंगा, अब वो भाजपा के नेता है, भाजपा के ट्रेजरर जो है उनको भी इसमें एक एप्लीकेंट बना ले तो उनको पता लग जाएगा कि किसने ये काम रोका है नाम को रोकने का. जो भारतीय जनता पार्टी के जो ट्रेजरर है उनको भी एप्लीकेंट बना ले. अगर वो एप्लीकेंट बन जाए तो फिर मैं जवाब दे दूंगा कि भाई वो एप्लीकेंट क्यों नहीं बन रहे इस जनहित याचिका के जिसकी आपने जिक्र किया. एप्लीकेंट बन जाए वो भी कि भाई नाम भी डिस्क्लोज करो, आइडेंटिटी भी डिस्क्लोज करो. मैं तो कह रहा हूँ आधार कार्ड भी लाओ, बायोमेट्रिक भी डिस्क्लोज करो ताकि पता तो लगे कि 181 करोड़ जो 2000 के नोट सिस्टम में है, जो आपने मेरे और मुझे पूरा विश्वास है कि पिछले एक साल में मैंने नहीं देखा. आपने देखा हो तो मुझे, और मुझे लगता है नहीं है कि आपने भी देखा होगा, वो कहां है, किसके पास है. अब वो 181 करोड़ के जो नोट है, टोटल नंबर बता रहा हूं, टोटल उनकी वैल्यू 3,62,000 करोड़ रुपया है. वो 3,62,000 करोड़ रुपए के जो नोट है वो किसके पास है. और ये जो सुविधा, अभी जो सुविधा केंद्र सिंगल विंडो स्कीम लाई सरकार, सिंगल विंडो स्कीम में 2000 के नोट लाओ, बिना नाम, बिना पता, बिना आइडेंटिटी, बिना पैन कार्ड, बिना आधार कार्ड, जितने लाने हो लाओ, एक बार में 10 ही लाओ, दिन भर में एक बार लाओ, बाहर जाओ वापिस आओ, वापिस नए 10 ले आओ, वापिस बैंक के बाहर जाओ, वापिस अंदर आ जाओ, वापिस 10 ले आओ. व्हाट इज दिस स्कीम एंड व्हाई गवर्नमेंट इज गिविंग ए रेड कार्पेट वेलकम और ए रॉयल वेलकम टू दीज पीपुल हु आर होल्डिंग दिस 181 करोड़ नोट्स ऑफ 2000. एंड अगेन सम नोट्स आर विथ, एज आई टोल्ड यू, कि कुछ नोट वर्किंग कैपिटल के लिए, छोटे उद्योग, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, भारत के किसान अपने पास रखते हैं क्योंकि वहां पे वो क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा कई जगह नहीं है, तो वो कुछ नोट उनके पास है. आपने वापस 44 डिग्री के तापमान में देश के किसानों को, देश के छोटे उद्योगों के एंटरप्रीनियर्स को, छोटे दुकानदारों को लाइन में खड़ा कर दिया. यहाँ पे 46 डिग्री में आपने हमको लाइन में खड़ा कर दिया. आप जापान पहुंच गए, अभी पता चला जापान से ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए, दोनों जगह टेम्परेचर 15 डिग्री के कम है. हम 46 डिग्री में नोट बदलाओ अगर छोटा उद्योग वाला या छोटे दुकानदार के पास है, साहब 14 डिग्री में वहां बैठे हैं. मैं उनसे इस बार शुक्रिया अदा करता हूं कि कम से कम मजाक तो नहीं उड़ाया देश के लोगों का. पिछली बार तो जापान जाके तालियां पीटी थी, शादी हो रही है पैसे नहीं है, कम से कम इस बार ये सद्बुद्धि तो उन्हें आई.
कि देश के लोगों का, देश के मध्यम आय वर्गीय परिवारों का, देश के निम्न आय वर्गीय परिवारों का मजाक तो ना उड़ाए। तो जो ये सज्जन है जिनका आपने नाम लिया, इनको बोले एक याचिकाकर्ता में एक नाम भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष का भी लिखवा ले, तो उनके सवाल का उनको बिना न्यायालय जाए ही जवाब मिल जाएगा। है जी, जी पहले इस पे कोई और क्वेश्चन तो नहीं है? देखिए, इसका जवाब आपको विस्तृत रूप से हम समय आने पर बता देंगे, पर हमारा आज भी प्रश्न एक ही है कि भारत के महामहिम राष्ट्रपति जो एक एक हम्बल बैकग्राउंड से उठ के यहाँ तक पहुँची, आप उनका अपमान क्यों कर रहे हो? क्यों अपमान करते हो? इसलिए कर रहे हो कि वो एक हम्बल बैकग्राउंड से निकल के आई महिला, इसलिए कर रहे हो? इसलिए कर रहे हो कि भाई उस राज्य में अभी इलेक्शन नहीं है, इसलिए कर रहे हो? कारण तो बताइए कि भारत की महामहिम राष्ट्रपति का, जिसको हमारे संविधान में द फर्स्ट सिटीजन बोला जाता है, फर्स्ट सिटीजन देश में, फर्स्ट सिटीजन स्वस्थ, फर्स्ट सिटीजन बिल्कुल मौजूद, और आप उनसे देश की जो जो डेमोक्रेसी का स्तंभ है, जो लोकतंत्र का स्तंभ है, उसका नए भवन का उद्घाटन नहीं कराना चाहते? क्यों? यह इसलिए कि भाई उस पत्थर पे आप अपना ही नाम लिखवाना चाहते? चलो आप एक साइड में एक अलग पत्थर और लगा देना, पर देश की महिला, देश की आदिवासी समाज का इस तरह से अपमान मत कीजिए। वो महिला एक हम्बल बैकग्राउंड से निकल के आज देश की राष्ट्रपति बनी, अपनी ताकत से, अपनी सूझबूझ से, अपनी लगन से, अपने परिश्रम से बनी। आज आप उस महिला का और पूरे आदिवासी समाज का क्यों अपमान कर रहे हो? देश और कांग्रेस पार्टी ये सवाल देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता है। अरे भाई, लाइब्रेरी और देश की पूरी संसद, ये तो ऐसी बात आप कह रहे हो कि साहब वो नहीं है भाजपा का ही, वो उन्हीं के लिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई देश की संसद, जहां पे देश के कानून बनते, देश की सबसे बड़ी पंचायत, वहां देश के राष्ट्रपति से आप उद्घाटन नहीं कराना चाहते? क्योंकि आपको पता है वो उद्घाटन करेंगे तो पहला नाम राष्ट्रपति का आएगा, महामहिम का आएगा, आपका नाम और छोटा छोटा भी आएगा, आप वो नहीं चाहते। अरे मैं तो आपको राय दे रहा हूं माननीय प्रधानमंत्री जी कि देश के राष्ट्रपति जी से उद्घाटन कराइए। आपको आपको तो अपने नाम छपवाना है ना, एक अलग से पत्थर लगवा के अगले शनिवार को एक और उद्घाटन कर लेना। वो हम आपको जरूर बताएंगे, इस उचित समय पर उचित निर्णय करेंगे, पर अभी कष्ट एक ही बात का है कि क्यों ऐसा हो रहा है कि देश के आदिवासी समाज का, देश की महिलाओं का, देश के जो एक व्यक्ति जो एक हम्बल बैकग्राउंड से यहां तक पहुंचा है, उसका डेलिबरेटली अपमान देश के प्रधानमंत्री जी क्यों कर रहे हैं? आपकी पार्टी के दो बड़े नेता है, एक तो अजय माकन, दूसरे संदीप चिप और प्रताप सिंह बाजवा, ये सब लोग कह रहे हैं केजरीवाल पर भरोसा नहीं करना चाहिए, पहले भी धोखा दे चुके हैं, राज्यसभा में अध्यादेश की मुखालफत करनी चाहिए कांग्रेस। देखिए, कल इसके बारे में संगठन महासचिव श्री केसी वेणुगोपाल जी ने एक विस्तृत ट्वीट किया, और उस ट्वीट की भावना क्या है वो मैं आपको पुनः दोहरा देता हूँ कि हम सारे लाइक माइंडेड पार्टीज से इसका विमर्श करेंगे। हमारे जो दिल्ली के जो लीडरशिप है, दिल्ली की हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, पंजाब की ऑर्गेनाइजेशन है, उससे इस बारे में चर्चा करेंगे और उचित समय आने पर उचित निर्णय लेंगे। इसमें क्या, हमने ये स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि भाई इसके बारे में एक एक लाइक माइंडेड पार्टी से भी और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी निर्णय करके आपको सूचित करें। जी, डिवाइडेड बिल्कुल नहीं है, उनका एक व्यू है, एक पर्सपेक्टिव है, पर कांग्रेस ये अभी हमने ये कहा ही नहीं कि हम करेंगे या नहीं करेंगे,
हम कह रहे हैं कि हम लाइक माइंडेड पार्टी से और जो दिल्ली और पंजाब के जो लीडरशिप है, ऑर्गेनाइजेशन है, उससे विमर्श करके उचित निर्णय करेंगे। जिन जो आप कह रहे हैं वो एक व्यक्ति का व्यू है, उसका भी सम्मान है। सर, लेकिन कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी है और वो है केंद्र में सरकार चलाने का, राज्य में सरकार चलाने का, इतना समय क्यों लग रहा है आपको ऑर्डिनेंस पर? देखिए, सोच विचार के काम करना पड़ता है ना, बिना सोचे करते हैं। तो 2000 का नोट लाए ना बिना सोचे समझे, फिर वापस लेना पड़ा ना। ये बिना सोचे समझे ऐसे नहीं करते ना कि आज रात 12 बजे से ये कर देंगे। सोचा ही नहीं, समझा ही नहीं, सोच समझ के ही बात करनी पड़ती है ना। फिर आप वापस कहो कि आज रात 12 बजे से ये कर देंगे। मैं आपको पुनः कहता हूं, आप मेरी बात को नोट करके रखना, अगले 6 महीने के अंदर 1000 का नोट भी वापस आने के मुझे एज ए इकोनॉमिस्ट चांस पूरा लगता है, क्योंकि न्यूज में आना है साहेब को। अब न्यूज में आ नहीं रहे, न्यूज में आते हैं तो नीचे लिखा हुआ आता है 40% कमीशन सरकारा। तो इसलिए ये इस तरह के सोच समझ के काम करने पड़ते हैं, वरना जिस तरह के निर्णय केंद्र सरकार, मोदी सरकार ले रही है वो आपने देखा जी। मेरा सवाल ये है कि राहुल गांधी की सदस्यता गई थी लोकसभा की, उसमें सबसे पहला ट्वीट करके केजरीवाल ने आपको समर्थन किया था और उन्होंने कहा था कि गलत फैसला है, कोई दूर ऐसा नहीं है। हम जो परिस्थितियां और जो इश्यूज हैं उस पर डिस्कस करके अपनी राय लेते हैं और अपने डिसीजंस, कोई ये तो हमारा निर्णय है ना, सोच समझ के निर्णय लेंगे, सबसे विमर्श करके निर्णय लेंगे। ये अचानक जल्दी जल्दी निर्णय ले हो, फिर वापिस उसको वापस ले हो, ये हमारी परंपरा नहीं है। विमर्श करके सबका बात सुन के निर्णय लिया जाता है और उचित समय आने पर वो निर्णय जरूर लेंगे। अरविंद केजरीवाल कलकत्ता गए हैं ममता बनर्जी से सपोर्ट करने, क्या वजह है कि वो 10 मिनट की दूरी तय करके 10 राजा जी वहां नहीं पहुंच पाए समर्थन मांगने के लिए? और क्या ये सही है कि ऐसा नहीं है कि हमारे पार्टी के संगठन महासचिव ने पूरा एक डिटेल ट्वीट कर दिया, एक एक चीज स्पष्ट रूप से लिख दी कि वी आर गोइंग टू टेक ए फाइनल कॉल ऑन दिस After having a deliberate discussion, detailed discussion with all like-minded parties and with the organization state leadership of respective states like Delhi and Punjab, what is wrong in that? हम सोच समझ के काम करते हैं, इसमें क्या है? अब आप कहोगे साहब आप ज्यादा क्यों किताब पढ़ते हो? अरे भाई, हमको पढ़ के उससे पॉइंट निकाल के बात करते हैं, ऐसे झूठ बोल के कैसे चल जाए? तो विमर्श करके सबका डिसीजन सुन के एक जो देश और पार्टी के लिए जो सबसे हितकारी चीजें होती है वो निर्णय करता है। इसलिए कोई वो ना तो मतभेद है, ना ये है कि भाई वो कुछ कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी ने जब लिख दिया उसके बाद, और वो भी डिटेल, मतलब दैट ट्वीट इटसेल्फ इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, उसमें कोई भी मतलब बिटवीन द लाइन्स और बिहाइंड द लाइन्स पढ़ने की कोई गुंजाइश ही नहीं है उसमें। या मैम, आई एम हियरिंग, मैं तो मैम अभी बैंगलोर से आ रहा हूँ, वहाँ पे भी बैंगलोर में भी प्रधानमंत्री ऐसे ऐसे कर रहे थे, कोई सुपरस्टार तो वहाँ किसी ने बोला नहीं, ना तो मन से बोला ना मुंह से बोला। तो अब वो जो भी बोल रहे हैं, अब मैं उनके बारे में क्या बोलूँ कि भाई कौन कुछ भी कह रहे हैं कि सुपरस्टार है, बॉस है। अब मैं तो देश में लोग क्या कह रहे हैं उसके बारे में मेरी रुचि ज़्यादा है कि देश के लोग क्या कह रहे हैं, और देश के लोगों ने क्या कहा वो 13 तारीख को आपने देखा कि देश के लोगों ने प्रधानमंत्री जी को क्या कहा, वो मुझे उससे ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं। अब वो कोई भी प्रधानमंत्री राष्ट्राध्यक्ष क्यों बोल रहे हैं, अब इस बारे में देखो प्रधानमंत्री जी बाहर है
और यहाँ पे गर्म है, वहाँ पे मौसम अच्छा है, उनको आने दीजिए। और जब प्रधानमंत्री जी बाहर है, मैं उनके लिए कुछ भी कुछ नहीं बोलना चाहता, वो आराम से आए। और जब यहाँ टेम्परेचर कम हो, थोड़ी बारिश वारिश हो जाए, आप प्रधानमंत्री कार्यालय को जरूर बताइए ताकि उनको बुलाएं यहाँ वापस। बीजेपी पे कि वहाँ पे तकरीबन ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट से बहुत सारे बच्चे उठाए गए हैं जिनको इस ध्यान से उठाया गया कि सिक्योरिटी की वजह से उनको घरों छोड़ा, उनके घर वालों को ये बताया गया है कि तकरीबन G20 के बाद आपको वापस मिलेगा, आपका क्या स्टैंड है? देखिए, हम तो हमेशा ये कई बार हमने सवाल पूछा कि कश्मीर में रोजगार के कितने नए एम्प्लॉयमेंट का सृजन हुआ है, कश्मीर में इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन्फ्लोज कैपिटल इन्फ्लो कितना आया है कश्मीर के अंदर, कश्मीर के अंदर कितनी नई इंडस्ट्रीज लगी है, कश्मीर के अंदर क्यों चुन चुन के लोगों का आधार कार्ड देख देख के क्यों लोगों को मारा जा रहा है। और वहाँ पे एक तरह से होम मिनिस्ट्री का ही शासन है, देश के जो होम मिनिस्टर है वही शासन कर रहे हैं कश्मीर में। तो ये सारे सवालों का जवाब देश के लोग और जम्मू कश्मीर के लोग और जो घटना बता रहे उन पे उत्तर देना चाहिए, वहाँ पे जो जो होम मिनिस्ट्री के नुमाइंदे हैं उनको देना चाहिए और अमित शाह साहब को देना चाहिए, क्योंकि ही इज बाय डिफॉल्ट ही इज रूलिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।